नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। दोस्तों, एनसीईआरटी की तरफ से कल एक नोटिफिकेशन अपलोड किया गया जिसमें एनसीईआरटी ने अपना डिफरेंट क्लासेस के लिए सिलेबस में अपडेशंस किए हैं, मॉडिफिकेशंस किए हैं। ठीक है, अब ये जो मॉडिफिकेशंस हैं इनका असर जो आपके सीटेट एग्ज़ाम है या अदर टेट एग्ज़ाम्स हैं उन पे भी डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब सिलेबस चेंज होता है तो ऐसे काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे उनके अंदर भी, उनके सिलेबसेस में भी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे सिलेबस उठा के चेंज कर दिया है, हम बोलेंगे उसमें अपडेशंस या मॉडिफिकेशंस किए गए हैं, यानी कि कुछ बदलाव किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा ही सिलेबस उठा के चेंज कर दिया है। क्या ये बदलाव हैं, क्या नोटिफिकेशन आया है और किन किन क्लासेस के लिए ये बदलाव हैं, चलिए डिटेल में इसको देखते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो ये है आपका कुछ इस प्रकार से नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली ये बताया गया है कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो अब न्यू टेक्स्ट बुक्स यूज़ करनी है स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, फॉर ग्रेड क्लास मतलब 1, 2, 3 और क्लास 6। ठीक है, जो एनसीईआरटी के द्वारा पब्लिश की जाती हैं, तो यहाँ पे ये चेंजेस इन पर्टिकुलर क्लासेस में है, क्लास 1, 2, 3 और 6। तो इसका मतलब आपका लेवल 1 पेपर 1, लेवल 2 पेपर 2 जो है सीटेट का, दोनों के ही सिलेबस में चेंजेस हैं। ठीक है, चेंजेस मतलब मॉडिफिकेशंस, अपडेशंस हैं। पूरा सिलेबस, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पूरा सिलेबस चेंज नहीं है। आपने बहुत सारे ये थंबनेल्स वगैरह देखे होंगे कि सिलेबस चेंज हो गया है, चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस में मॉडिफिकेशंस हुए हैं, दैट्स इट। और कोई ऐसा बहुत बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं। बुक्स के जो नाम हैं और कवर्स हैं वो भी चेंज किए गए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से देखिए एक ही चीज़ें चल रही थी। यहाँ पे 21st सेंचुरी के बच्चों के हिसाब से बहुत ज़रूरी था कि कुछ चेंजेस किए जाएं, कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाएं, तो वो मॉडिफिकेशंस डेफिनेटली कर दिए गए हैं। ठीक है, द रीसेंट न्यूज़ कंसर्निंग अ लेटर पब्लिश्ड इन ग्रेड 3 टेक्स्ट बुक ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ हैज़ नो बेसिस एज पर द परस्पेक्टिव ऑफ न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ स्कूल एजुकेशन 2023। अब जो नया NCF 2023 में आया है, NCFSE 2023, उसके अकॉर्डिंग जो है सब्जेक्ट द वर्ल्ड अराउंड अस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम ग्रेड 3 ऑनवर्ड्स इन प्रिपरेटरी स्टेज इन प्लेस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, बुक का नाम चेंज करा है इन्होंने, सब्जेक्ट का नाम चेंज किया है और यहाँ पे अंदर भी सिलेबस के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। ठीक है, वो मॉडिफिकेशंस क्या हैं, पुराना कवर क्या था, न्यू कवर क्या था, तो देखिए उसके लिए कुछ इस तरीके से आपकी ना ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप सभी बुक्स एनसीईआरटी की फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जाके ओल्ड बुक्स भी देख सकते हो, न्यू बुक्स भी देख सकते हो, कौन कौन से चैप्टर्स न्यू इंट्रोड्यूस हुए हैं, कौन से रिमूव हुए हैं, तो क्या ओवरऑल बदलाव है, क्या ओवरऑल मॉडिफिकेशंस हैं, वो सब आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब जो सिलेबस में आपका जो एग्ज़ाम होगा सीटेट का या और कोई टेट एग्ज़ाम जो एनसीईआरटी को फॉलो करता है, तो उसमें जो मॉडिफिकेशंस होंगे वो भी हम एक बार डिटेल में एक और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अभी आपने जिस तरीके से अपनी पढ़ाई करी है, आप जिस तरीके से कर रहे हो उसी तरीके से करो। थोड़े बहुत रिमूवल हैं टॉपिक्स के और कुछ एडिशंस हैं, उनको हम जो है सीटेट के सिलेबस में भी हमें देखने को, अभी जो देखिए सीटेट की बुकलेट आई है उसमें ऑलरेडी कुछ चेंजेस, ऑलरेडी कुछ मॉडिफिकेशंस हमें देखने को मिल चुके हैं। ठीक है, कोई खास ऐसा नहीं है कि सिलेबस ही उठा के पूरा का पूरा चेंज कर दिया, कुछ छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस हैं वो ऑलरेडी हमने देखे भी थे कि जो जैसे मुगल्स वाले जो चैप्टर हैं वो रिमूव कर दिए हैं,
ठीक है, उसके साथ जो है, मतलब ये जो जिन पे कंट्रोवर्सी काफ़ी टाइम से थी, तो वही चीज़ें हुई हैं, वही चैप्टर्स वगैरह रिमूव हुए हैं, और थोड़ा सा साइंटिफिक चैप्टर्स को भी साइंस वगैरह में ईवीएस में इंट्रोड्यूस किया है, विच वॉज द रिक्वायरमेंट. इसकी रिक्वायरमेंट भी काफ़ी समय से थी. तो देखिए, एनसीएफ चेंज होता है तो हमेशा सिलेबस, तो एनसीएफ का काम ही है सिलेबस का, तो हमेशा सिलेबस भी चेंज होता है. तो ये इस साल 2023 में नया एनसीएफ आया, उससे पहले 2005 में एनसीएफ आया था. तो आप खुद देखिए, 2005 के बाद 2023 में, इतने लंबे समय के बाद हमें जो है एक नया करिकुलम देखने को मिला है. तो बुक्स में बदलाव अपने आप में लाजमी है, अपने आप में ये रिक्वायर्ड था, जो कि टाइम रहते एनसीईआरटी के द्वारा किया भी गया है. तो आप सभी को क्लास 1, 2, 3 और 6 की जो न्यू टेक्स्ट बुक्स हैं वो अब यूज़ करनी है. ये सब किया गया है जो नई शिक्षा नीति 2020 में आई थी उसके तहत. ठीक है, यहाँ पे कल्चरल रूटेडनेस, मल्टीलिंगुअलिज्म, एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को सब्जेक्ट्स के अंदर और इन पर्टिकुलर ग्रेड्स के अंदर ऐसी टेक्स्ट बुक बनाई गई हैं, ऐसे चैप्टर्स को डाला गया है जो कि बच्चों के लिए और सभी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा. तो यही है जो मॉडिफिकेशंस किए गए हैं. बाकी वेबसाइट्स के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को दे दिए हैं. जाइए, एक्सप्लोर कीजिए एनसीईआरटी की न्यू टेक्स्ट बुक. आपको ये टेक्स्ट बुक्स कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा. इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में. और कोई भी नोटिफिकेशन इस प्रकार का आएगा चैनल के माध्यम से, हम आपको डिटेल में ज़रूर बताएंगे. तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे टिक ज़रूर कर लीजिएगा. धन्यवाद. जय हिंद दोस्तों.